आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल दस बिल्डिंग प्लानर में। आज का जो हमारा जो वीडियो है वो कैंटिलीवर बीम पे है। हम देखेंगे कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है, किस तरह से उस पर वेरियस रिएक्शन ऐड होती है, मतलब शेयर स्ट्रेसेस, बेंडिंग मूवमेंट एंड अदर। साथ ही में हम देखेंगे कि कौन सा कैंटिलीवर बीम हमारे लिए ठीक है, मतलब टैपर जो कैंटिलीवर बीम है वो ठीक है या फिर जो स्क्वायर में हम लेते हैं वो बेस्ट है, और किसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है, ये सब बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में बेल आइकन भी हिट कर ले ताकि जब भी हमने कोई वीडियो बनाए तो उसकी बेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों भी साइड में हम सपोर्ट देते हैं, मतलब एक हमारा फिक्स स्ट्रक्चर रहता है या फिर हिंज स्ट्रक्चर रहता है। ओके, तो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में, लेकिन कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि सिर्फ एक साइड में एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब जो हमारा बीम है वो एक सिंगल पॉइंट पे फिक्स सपोर्टेड रहता है, ठीक है, उसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में आपने लिखा ही है, अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखा ना जाए तो जो हमारी बालकनी होती है वो नॉर्मली कैंटिलीवर बीम पे ही रेस्ट होती है, ठीक है, जैसे कि अभी आप एक पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए इस तरह से कैंटिलीवर है, एक टैपर्ड ही समझ लीजिए आप इसको, कि यहाँ पे जो जो उसका डेप्थ वो कम है कंपेयर टू ये फिक्स सपोर्ट जहाँ पे ये ज्वाइंट किया गया है। ओके, ये वेरियस टाइप है कैंट, मतलब वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग कैंटिलीवर बीम पे हमने अप्लाई किया, यहाँ पे कॉर्नर पे, देन कुछ सफिशियंट डिस्टेंस पे फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट, और ये हमारा यूडीएल है। ओके, देखिए जब भी कैंटिलीवर में क्या होता है कि जब भी लोडिंग हम एक्ट करते हैं ना तो उसमें दो तरह के फोर्सेस हमारे स्ट्रक्चर पे एक्ट होते हैं, मतलब कैंटिलीवर बीम पे, एक तो होता है बेंडिंग मोमेंट और दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस जो होता है हमेशा पैरेलल एक्ट होता है मटेरियल के, और वही अगर बेंडिंग मोमेंट जो उसकी तो उस फोर्स की, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट है वो प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी है कि जिस भी मटेरियल पे एक्ट होता है उसको ट्विस्ट या फिर वो रोटेट करने की कोशिश करता है, सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है। हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है यहाँ पे सपोर्ट पे होता है, यहाँ पे ज्वाइंट पे होता है, जो हमारा फिक्स सपोर्ट है, और ये जो हमारा बीम यहाँ से निकला हुआ है जो एक साइड से सपोर्टेड, वन पॉइंट पे सपोर्टेड है। देखिए ये जो हमारा कॉर्नर होता है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे डेप जो रखते हैं वो बीम की ज्यादा रखते हैं और टैपर्ड बीम में, और यहाँ पे हम कम रखते हैं। टैपर्ड बीम में क्या है ना कि हम इकोनॉमिकली उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा जो मटेरियल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो हम एक्सेस जो वेस्टेड है उसको रोक सकते हैं, साथ में जो डेड लोड है स्ट्रक्चर पे वो भी हम उसकी वजह से कम कर सकते हैं। जबकि अगर आप एक स्क्वायर कैंटिलीवर बीम लेंगे तो उसमें क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट तो यही पैनी है और उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वही हम कंसिडर करके लेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है हमारा कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है, साथ में हमारे लोड पे डेड लोड भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से हम मैक्सिमम टाइम प्रिपेयर करते हैं कि हम टैपर्ड कैंटिलीवर बीम ही ले। नॉर्मली हम कैंटिलीवर बीम कहाँ पे लेते हैं कि जहाँ पे हम दोनों साइड में सपोर्ट नहीं कर सकते या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी बहुत लेस लोडिंग है, तो ऐसी जगह पर हम कैंटिलीवर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल जब भी मैंने बताया कि बालकनी ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैंटिलीवर बीम के लिए, या साथ में कुछ अपने ब्रिज दिखे होंगे जो सपोर्ट से बाहर तक निकले होते हैं तो वहाँ पे भी कैंटिलीवर बीम लेते हैं, लेकिन उनकी डिजाइनिंग खुद बहुत ज्यादा हेवी होती है। ओके, तो अभी हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज की अगर बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की तो वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट होता है, इसका एक साइड फिक्स होना ही चाहिए, फिर चाहे अपोजिट साइड में सपोर्ट हो या ना हो कोई इशू नहीं। साथ ही में इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसको खुद ही स्ट्रक्चर में काउंटर अटैक किया जाता है। तो साथ में क्या होता है कि जो बीम जो रेस्ट होता है आर्म पे उसकी वजह से क्या होता है सिंपली मेंटेन किया जाता है थर्मल एक्सपेंशन ग्राउंड मोशन के हिसाब से, ठीक है। अगर इसकी डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन हो सकता है अगर डिजाइन के हिसाब से, मतलब लोडिंग के हिसाब से डिजाइन नहीं किया जाए, तो साथ ही में लार्जर मूवमेंट भी होता है बेंडिंग मूवमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक साइड फिक्स होना ही चाहिए, अगर फिक्स नहीं होता है तो क्या होगा जो जहाँ से ये सपोर्टेड है वहां से वो अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि अगर एक फिक्स सपोर्ट नहीं होता है तो ड्यू टू दी लोडिंग एक साइड लोडिंग होने की वजह से वो अपलिफ्ट हो जाएगा बैक साइड से स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक की बट लाइक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ में जो इस तरह के फील्ड से रिलेटेड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइन ऑफ आदित्य भक्ते।